मिलियंस ऑफ व्यूज टू द सॉन्ग, जिसका मेन प्लॉट ये है कि उस लड़की को कैसे जुत्ती चाहिए और वो लड़का उसको जुत्ती दिला नहीं रहे। मिलियंस टू दिस सॉन्ग वेयर द गाय इज सेलिंग द गर्ल, रोटियां पकाना और मेरे गाने गाना। यहाँ पे लड़की को लैम्बोर्गिनी की राइड चाहिए और वो बोल रही है कि प्लीज एक चूटा दे दे। मेरा गर्ल इज डिमांडिंग फॉर अ महंगा लहंगा। अगर इन गानों के बेसिस पे हम लड़कियों की परसेप्शन बनाएं तो आई डोंट थिंक लड़कियां किसी को पसंद आएंगी, बिकॉज उन्हें दिखाया जाता है एज पीपल हु नैग, अनॉय, इरिटेट, मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो, बच्चों जैसे। कि गाने जिनकी इतनी मैसिव फॉलोइंग है, क्या ये लड़कियों को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Don't get me wrong, I love Punjabi songs. Punjabi गानों पर dance करने की feel ही अलग है. No wonder Punjabi music has the largest share in the independent music industry at approximately ₹700 crore. And Punjabi songs are not just famous in Bollywood but all over the world. Among these songs, the ones that are getting the maximum limelight are problematic. Well, here are some things that are wrong with Punjabi songs. First is Gorepan se obsession. पंजाबी सॉन्ग्स नेवर गो विदाउट कैजुअली मेंशनिंग अ वुमन्स स्किन कलर, एंड जब ब्राउन रंग आया था वी लाइक वो बीइंग इंक्लूसिव एंड ऑल यू, बट यार दे डिस्ड फेयर वुमन बाय सेइंग कि गोरी गोरी लड़कियों को कोई नहीं मुंह लगा रहा है, किसी को लगना भी है तेरे मुंह। सेकंड इज फाइनेंशियल एजेंसी। इन गानों के अकॉर्डिंगली घर, गाड़ी, क्लोथ्स और ब्रांड्स, इनसे ही बनता है एक पंजाबी सिंगर का सीवी। एंड जब भी वो किसी लड़की को मिलता है सो ऑब्वियसली ही ब्रिंग्स अप दीज थिंग्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस गाय लड़कियां सिर्फ पैसों में इंटरेस्टेड है। इन गानों में ये भी दिखाते हैं कि कैसे बेचारा लड़का दिन रात एक करके पैसे कमा रहे और बंदी बस उड़ा रही है। थर्ड इज कंसेंट को सीरियसली ना लेना और स्टॉकिंग बिहेवियर को प्रमोट करना। काफी सारे गानों में हम ये देखते हैं कि कैसे एक प्यार में मरा हुआ आशिक एक लड़की के पीछे जाता है जो शायद उसको जानती भी नहीं है या उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। क्या एक लड़की को स्टॉक करने से वो तुम्हारी हो जाएगी या उसपे बहुत सारे पैसे फेंक देने से वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी? वेल, इट डजंट वर्क दैट वे। एंड ये सेम सिनेरियो मेरे साथ होता था जब मैं स्कूल में थी। आई वुड गो ऑन माय स्कूटी एंड रैंडम गाइस वुड फॉलो एंड से एक्सक्यूज मी एंड आई'ड से शट अप। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे सीरियस इशू को लेकर ये इंसान इतने खुशी खुशी क्या बता रहे हैं, एंड देन ही इज लाफिंग। क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को? नेक्स्ट अप इज ये सॉन्ग दिखाते हैं कि लड़कियां बहुत सिंपल माइंडेड और जुवेनाइल है एंड लड़का बड़ा मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग है और वो समझा देते हैं कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अभी नहीं ले सकता या फिर ये ले जितने लेने होते। नाउ व्हाई डू पीपल लव दीज सॉन्ग? जिनको लिरिक्स नहीं समझ आते उनको ये बीट्स ही इतनी कैची लगते हैं। ऑल्सो काफी इंग्लिश वर्ड्स, ब्रांड्स के नाम इस सब में है। Larger than life portrayal of things, and that's why people like it. These songs could be considered as aspirational, you know, being rich, having a girl, having every material possession you could imagine. Live life king size type with a perfect looking bandi, जो ऐसा लगता है magazine से directly बाहर आ गई, जो कि हमेशा इंतजार में कि कोई अमीर सा प्रिंस चार्मिंग आए और उसको ले जाए। और जो लोग इन लिरिक्स को समझते हैं वेल उनके लिए भी ये गाने relevant है, because पेट्रियार्की, ये ऐसी चीजें हैं जो काफी लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि लड़कियां बहुत डिमांडिंग होती हैं, दैट लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, पैसे के पीछे भागती हैं। और जब इतने बड़े सिंगर्स ये सब बोलते हैं तो ऑफ कोर्स एवरीडे पीपल फील वैलिडेटेड कि हाँ, ओ मैं सोच रहा था कि ये बंदियां बड़ी डिमांडिंग होती हैं, एंड नाउ ही इज ऑल्सो अग्रीइंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। वेल, मोर एंड मोर वुमेन आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टुडे, एंड ऑनेस्टली हमारा एम किसी के गाने गाते गाते रोटियां पकाने का तो नहीं है। हम खुद के परचेजेस कर सकते हैं, अपनी ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं, खुद की गाड़ियां खरीद सकते हैं, जुत्तियां ते ड्रेसां भी ले सकते हैं। सो प्लीज आ नैरेटिव तुसी थोड़ा चेंज कर लो। इन गानों से हमारा पंजाबी कल्चर फिर से स्टीरियोटाइप हो रहा है। पंजाबियों को बस शो ऑफ करना आता है, पंजाबी पैसे से ऑब्सेस्ड हैं। बीइंग अ पंजाबी मायसेल्फ, आई नो दी स्टीरियोटाइप्स आर नॉट ट्रू, इट्स जस्ट हाउ वी आर पोर्ट्रेड इन द सॉन्ग्स दैट गेट्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज। सो प्लीज चेंज कर लेते हैं इसको। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस बाय अस।